लॉकअप, खतरों के खिलाड़ी और ना जाने कितने रियलिटी शोज जो है पाइपलाइन में है। बिग बॉस के इन कॉन्टेस्टेंट को इनमें से कोई शो जरूर मिलेगा और इन लोगों को भी बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, ये बात काफी समय से चर्चा में है। सौंदर्या तो बिग बॉस ओटीटी करेगी और लॉकअप करेगी, ये बात भी सामने आई। लेकिन अब जब सौंदर्या खुद स्पॉट हुई है और उनसे पूछा गया कि भाई आप ओटीटी खतरों के खिलाड़ी करेंगी, इस पर सौंदर्या ने साफ कहा कि देखो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है, ना ही मैंने कुछ साइन किया है। लेकिन साथ ही सौंदर्या ने ये जरूर बताया कि उनके बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस पाइपलाइन में हैं। तो एक बात तो तय है कि लॉकअप और खतरों के खिलाड़ी में शिव ने, मैंने जब इंटरव्यू किया तो ये बात क्लियर कर दी, भाई अर्चना उसके साथ होने वाली है, शिव खतरों के खिलाड़ी में होंगे, ये बात कंफर्म हो गई क्योंकि उन्होंने उस दिन इंटरव्यू में ये बात बोली भी। और खासकर जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि वो बहुत जल्दी स्विमिंग क्लासेस लगाने वाले हैं। लेकिन अब सौंदर्या के भी जाने की खबरें थी। सौंदर्या ने साफ कहा कि ऐसा उनको अभी तक फिलहाल कोई ऑफर नहीं आया, ना ही खतरों के खिलाड़ी, ना बिग बॉस ओटीटी और ना ही लॉकअप। तो सौंदर्या का जो नाम सामने आ रहा था इसको लेकर एक चीज कंफर्म है कि सौंदर्या ने फिलहाल कुछ भी साइन नहीं किया है और वो आने वाले दिनों में म्यूजिक वीडियोस में नजर आएंगी। तो आज सुबह एक इवेंट में, वो एक कॉलेज के इवेंट में पहुंची तो उन्होंने यही कहा कि देखो जो है मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मुझे अभी फिलहाल तो कुछ भी ऑफर नहीं है, लेकिन हाँ मैं जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करूंगी, जल्द करूंगी, आप सभी को बताऊंगी, लेकिन जो खतरों के खिलाड़ी और ये सारी चीजें हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज जो है सौंदर्या ने खुद कंफर्म की है। लेकिन अगर मैं सौंदर्या की बात करूं तो जो मैंने टास्क बिग बॉस में उसके देखे हैं, जो घर में वो करती थी, मुझे ऐसा लगता है उनका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है और वो टास्क वगैरह में बहुत अच्छी हैं, तो वो खतरों के खिलाड़ी जो है कर सकती हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।